ये गलत है मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। यहाँ कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हर क्रिमिनल यही कहता है। वैन में सिर्फ दो लोग थे, तुम और हमारे कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। चीता एक पुलिस वाला है, उसका काम कानून की रक्षा करना है, तो ये चोरी उसने तो बिल्कुल नहीं की है। बची कौन? तुम अच्छे से जानती थी कि वैन में कब पैसे लोड होने वाले हैं, कितने पैसे लोड होने वाले हैं, वैन का पूरा रूट कौन सा है, हर एक डिटेल। चीता के हिसाब से ऑन रूट चोरी करने की कोशिश कतई नहीं की गई है। तो वैसे में तुम ही बताओ, सबसे ज्यादा शक हमें किस पर होगा? कौन है इस चोरी का सबसे बड़ा सस्पेक्ट? नहीं मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। करिश्मा सिंह जी, बैंक से लेकर आखिरी एटीएम तक जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, सबकी फुटेज निकालिए। चाहे वो सिग्नल पर हो, गलियों में हो, लोगों के घर के बाहर हो, पर्सनल कैमराज हो, जो कुछ भी हो, हमें सारे फुटेज की अच्छे से छानबीन करनी है। क्लियर, नॉन क्लियर, जिस भी तरीके के आई विटनेस मिलते हैं, सबको कलेक्ट कीजिए, सबसे पूछताछ कीजिए, देखिए क्या पता चलता है। वैन के अंदर के फिंगरप्रिंट्स भी लीजिए, जहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है कलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम इस मामले में ऐसा एयर टाइट केस बनाना चाहते हैं जो इतना पुख्ता और इतना पक्का हो कि दुनिया की कोई भी कोर्ट उसे खारिज ना कर पाए। हम इन सलाखों के पीछे पूरी चिंगारी गैंग को देखना चाहते हैं। जी मैडम सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए उसे कन्फेशन निकलवाइए। मैडम सर ने ये काम आप पे सौंपा है ना। तो आपको क्या लगता है हम यहाँ बैठ के मकड़ी का जाला देख रहे हैं? हम भी तो यही सोच रहे कि हम कन्फेशन कैसे निकलवाएं। अरे आप तो पीएचडी होल्डर है मुंह खुलवाने में। हाँ तो जाइए जाइए जाइए। पुष्पा जी, हमें क्या लग रहा है ना कि आपका याददाश्त भी जो है ना वो एकदम गोलगप्पे जैसा हो गया है ना। मतलब आप ये भूल गई हैं कि हम वो करिश्मा सिंह नहीं रहे हैं। नो कंटाप, नो मुक्कल हाथ, सिर्फ जज्बात। अरे नहीं नहीं, कोई अरे फरे नहीं, अभी हम जा रहे हैं कन्फेशन निकालने। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, खड़ी काई हो गई हो, बैठो आराम से बैठो। देखो सच बोलना बहुत आसान काम है, बहुत कठिन काम नहीं है, है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें शांति से बैठना है और जो हम तुमसे पूछेंगे उसका सच में जवाब दे देना है, बस इतनी सी बात है। एक मिनट। कितना अच्छा म्यूजिक है। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है। अब आंखें बंद है, अब लंबा लंबा सांस लो। अब अपने दिमाग को और अपने दिल को एकाग्र करो। ठीक है, अब हम तुमसे करेंगे सवाल, तुम सच का रास्ता पकड़ के हमको सच बता देना। तो कैश वाली वैन में तुमने जाकर पैसे चुराए थे? चुराए थे तो कैसे चुराए थे और अभी कहाँ रखे हैं? सच बता दो आराम से। एक 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 और सांस ले लो, फिर बताना। खुलो और सच बताओ। मैडम, हमने चोरी नहीं की है। करिश्मा जी, करिश्मा जी, एक मिनट जरा। ये क्या कर रही हैं आप? का? अरे ये थाना है कि सत्संग भवन? ऐसे किसी भी अपराधी से उसका कन्फेशन निकलवाते हैं क्या? पानी में पूड़ियां तली जाएगी तो यही ना होगा और क्या होगा, स्वाद कहाँ से आएगा? देखिए कन्फेशन तो निकलवाना ही पड़ेगा ना, मगर अब कैसे है? हाँ। आप लोग कर नहीं सकते मगर दिखा तो सकती है ना। मतलब कैसे समझाएं आपको? देखिए सपना से उसका कन्फेशन निकलवाने के लिए आपका भौकाल तो दिखाना ही पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे आप वैसा करके दिखाइए अपना वोकल। ऐसा समझ लीजिए इस नाटक के लेखक दिग्दर्शक हम हैं। देखो आखिरी बार कह रहे हैं कि हमें सब सच बता दो, हमें वो करने पे मजबूर मत करो जो हम तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते हैं। आओ यहाँ पे आओ। मैडम मैडम ये देखिए। कौन है ये? अभी अभी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, मगर इसके साथ ही जो है सब माल लेकर भाग गए। जल्दी से इसका मुंह खुलवाइए, चार्जशीट फाइल करनी है ना, इसको कोर्ट में भी लेके जाना है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कितना टाइम है हमारे पास? आधा घंटा। आधा घंटा?
पांच मिनट के अंदर अंदर इसको और कन्फेशन को दोनों साथ में लेके जाए, तेरी मैया की सासू मैया। ये लीजिए, चल एक मिनट शुरू कीजिए। हाँ चल 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 चल, अब देखना अब देखना मैडम कैसे हाल करती है तुम्हारे। बता तेरा साथी है? बता। नहीं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताएगा तू। काली गुफा में है। किसने लिखा है काली गुफा का डायलॉग? पुष्पा जी ने। तुमको बोलो काली गुफा उनके जमाने में होती होगी। इस जमाने में काली गुफा के क्लब होते हैं। काली गुफा चेंज करो, चेंज करो। बताता हूँ काली गुफा के बगल में पब है, पब के सामने कैफे है, कैफे के बगल में होटल है, उसी होटल में कमरा नंबर 304 में मेरे साथी छुपे हैं माल लेकर। सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। देखा, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव। चाहिए जाकर पूछे, सब वक्त देखिए। हाँ भैया, सच बताओगी कि एक ही एम्बुलेंस में दोनों साथ में जाओगे? नहीं नहीं मैडम, मैं बताती हूँ। बताओ मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। ओ पुष्पा जी रुक जा, इस उम्र में कमर लचक जाएगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुमको क्या लगता है भौकाल सिर्फ करिश्मा मैडम का है, हमारा भौकाल नहीं है? हाँ। है ना, जैसे करिश्मा मैडम के लिए कहते हैं ना, दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा ना देखा। वैसे हमारे लिए अपराधी कहा करते थे? क्या क्या? उड़ी उड़ी धप्पा भगो आ गई पुष्पा। अन्याय पर न्याय की आ रही, हमें चिंगारी। 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 हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे थाने के सर पे मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं? तू मेरे सिर पे मत मंडरा, निकल यहाँ से। पुष्पा जी देख क्या रहे हो, यही मौका है भौकाल दिखाने का। उड़ी उड़ी धप्पा गुलगप्पा जा। नहीं नहीं आज नहीं। क्यों आज क्यों नहीं? आज बृहस्पतिवार है तो आज अहिंसा नहीं करते। किसने कहा? कहा है किसी ने, तुमको नहीं पता। लेकिन किसने कहा? चुप करना। अन्याय पर न्याय की आ रही, हमें चिंगारी। अन्याय पर न्याय की आ रही, हमें चिंगारी। शांत हो जाइए, क्या हो रहा है? हमें चिंगारी। अन्याय पर न्याय। मैडम सर, चिंगारी गई, लगता है सपना को लेने के लिए आई है। हम फोर्स को फोन करते हैं। रुकिए पुष्पा जी, फोर्स बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है आपके यहाँ बड़ों की इज्जत का रिवाज है नहीं हसीना मलिक, वरना हम तो अपने चौखट पे आने वाले दुश्मनों के बुजुर्गों का भी बड़े दिल से एहतराम करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। लगता है कि आपके बुजुर्गों ने आपको वो अखलाक नहीं दिए। कोई बात नहीं, हम ये दस्तूर पूरा किए देते हैं। आदा। क्या है ना सायरा जी, अगर आप यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग की हैसियत से आई होती तो हम तो क्या, हमारा पूरा थाना आपकी सेवा में तत्पर होता। लेकिन आप यहाँ आई हैं चिंगारी गैंग की अहम मेंबर की हैसियत से, और हम हैं इस थाने के इंचार्ज, यहाँ के SHO। इसलिए अदबो अदब का ना ही मौका है ना ही दस्तूर। फिर भी कहिए, क्या कर सकते हैं आपके लिए आज? हम सपना को लेने आए हैं। नामुमकिन। जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप हमारे थाने के बाहर के किसी भी पौधे का एक पत्ता भी नहीं ले जा सकती। तो सपना को ले जाना तो बहुत ही दूर का सपना है, और आपको रोकने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। हदों को मत ललकारिए SHO साहिबा, हदें टूटती हैं
तो कोई हद उन्हें रोक नहीं पाती। वैसे तो हम सपना को यहां से जबरदस्ती ले जा सकते हैं, पर शिवानी ऐसा नहीं चाहती। उसका मानना है कि अगर कानून से कोई मसला हल हो सकता है तो फिर कानून तोड़ने से क्या फायदा। ये लीजिए, शिवानी ने भेजा है, पैगाम है आपके लिए। पढ़िए पुष्पा जी। सही में बोलूं तो बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने, तुमने जज्बातों वाली भाई, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। उस दिन तेरे तेवर देखकर लगा नहीं था कि तू ऐसी ओछी चाल चलेगी। क्या लगता है तेरे को, ऐसे हल्के और बचकाने कानूनी पैंतरे इस्तेमाल करके चिंगारी गैंग की नींव हिला सकती हो तुम? भूल है तेरी, बहुत कम करके आंका है हमें। खैर, अब जब तूने इस दुश्मनी का इनविटेशन भेजा ही है तो तेरे को निराश कैसे कर सकते हैं। चिंगारी गैंग तेरा दुश्मनी का ये इनविटेशन दिल से एक्सेप्ट करता है। और वादा करता है कि उसी दिल से दुश्मनी के इस रिश्ते को निभाएगा भी। वादा करते हैं कि अगर बहुत जल्द तेरे को चिंगारी गैंग के सामने नहीं झुकाया, सारी दुनिया के सामने तेरे से हाथ नहीं जुड़वाए, तर माझे नाव शिवानी पवार नाही। एक पैगाम हमारा भी पहुंचाइए शिवानी तक, कहिएगा कि कौन कहता है बेरहम है तूफाने समुद्र, कुछ मगरूर कश्तियों का गुरूर टूटना भी तो लाजिम है। शिवानी से कहिए कि उन्होंने हमारा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इस बात की हमें बेहद खुशी है। हम भी ये दुश्मनी तहे दिल से निभाएंगे और वादा करते हैं आपसे, आपकी पूरी चिंगारी गैंग को कानून के सामने घुटनों पर नहीं गिरा दिया तो हमारा नाम भी SHO हसीना मलिक नहीं। ये सपना के बेल पेपर्स हैं, अब आप एक सेकंड के लिए भी और उसे हिरासत में नहीं रख सकते। छोड़ दीजिए सपना को। जब तक हम यहाँ हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अन्याय पर न्याय की आ रही, हमें चिंगारी। अन्याय पर न्याय की आ रही, हमें चिंगारी। अन्याय पर न्याय की आ रही, हमें चिंगारी। करिश्मा सिंह जी, सच में हमें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे थाने के दरवाजे पर क्रिमिनल जाएंगे, हमें धमकी देकर चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब आपकी वजह से हुआ है करिश्मा सिंह। हमारी वजह से? हमने क्या किया है? वही तो, कुछ नहीं किया आपने। किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हमने आपसे सपना का कन्फेशन निकलवाने को कहा था, किया आपने? अगर आपने उसका कन्फेशन निकलवा लिया होता तो चिंगारी गैंग की हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ आते और उसे छुड़वा कर ले जाते। मैडम सर, हमने पूरा कोशिश किया था। कोशिश की थी, ये आप कह रही हैं? आप तो इन सारी चीजों में माहिर हैं। बिना दांत के सांप और बिना डंक के बिच्छू से कोई नहीं डरता मैडम सर। आपने वो हमारे पैक करा के एक साइड में रखवा दिए हैं। यही चाहती थी ना जनता भी कि आपके जज्बात, आपका तरीका चले, तो उसी तरीके पे हम चले हैं। इलेक्शन में आप ही को ही जितवाया ना, आपके तरीके को जितवाया, जज्बात को जितवाया, तो आपने काहे कन्फेशन नहीं निकाल लिया? हमें काहे भेजा कन्फेशन निकालने के लिए? ये तो ये बात हो गई कि परिंदे के पर काट दो, फिर उसको बोलो जाओ जाके आसमान में उड़ो, पूरा आसमान तुम्हारा है, इस काम में तो तुम माहिर ही हो। ऐसे तो नहीं चलता ना मैडम सर, आपने काहे नहीं निकलवाया? अब निकलाना सच, और सच यही है करिश्मा सिंह कि इस केस से ज्यादा आपको ये साबित करने में दिलचस्पी है कि जनता ने हमें चुनकर कितनी बड़ी गलती की है, हमारी जज्बातों की आइडियोलॉजी को चूज करके कितना गलत किया है। करेक्ट? नहीं मैडम सर, सच वो नहीं है। सच ये है कि आप डरती हैं। आप डरती हैं कि आपके ये खोखले जज्बातों वाली आइडियोलॉजी जो है, इसके बारे में सबको सच पता चल जाएगा।
सबको ये पता चल जाएगा कि आपकी ये जज्बाती आइडियोलॉजी लोगों के दिल छलने में काम आती है बस, और किसी काम की नहीं है। इसीलिए आपने हमें भेजा उसका कन्फेशन निकलवाने के लिए, ताकि जब उसकी नाकामयाबी हो वो हमारे सर पे आके उसका ठीकरा फटे। यही सच है मैडम सर, कड़वा है लेकिन 16 आने सच है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, कहिए। मैडम सर, क्या है ये? हमारा त्याग पत्र है मैडम सर। हमारा रेजिग्नेशन लेटर है मैडम सर। हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ना चाहते हैं। जीती, ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो, पगला गए हो? बहुत मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी और तुम ऐसी ही नौकरी छोड़ दोगे? क्या हमको पता नहीं है तुम पर घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं जो तुम इसी नौकरी के चलते पूरी कर पा रहे हो? और अगर तुम ऐसी नौकरी छोड़ दोगे तो उन जिम्मेदारियों का क्या? और हमारे स्वाभिमान की जिम्मेदारी का क्या पुष्पा जी? पूरा हादसा के बाद से हम अपना खुद का इज्जत नहीं कर पा रहे, वर्दी का क्या इज्जत करेंगे? हम माफ कीजिएगा मैडम सर, ऐसा नौकरी हमको नहीं करना है। इस नौकरी का हम इज्जत ही ना कर सके, इसलिए हम फैसला कर लिए मैडम सर, हमको नौकरी छोड़ना है। मैडम सर, हम ना एक बार पैदा लिए हैं, एक ही बार मरना चाहते हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके नहीं मरना चाहते मैडम सर। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर बहुत मजबूर हो के हमें वो सच कहना पड़ रहा है जिसे सब आंख मूंद कर बैठे हैं। आपके आइडियोलॉजी का जीता जागता एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने खड़ा है। एक निष्ठावान वर्दी वाले का पूरे पब्लिक में सबके सामने अपमान हुआ है, वो अपमानित हुआ है, उसकी बेइज्जती हुई, और सिर्फ आपके वजह से हुआ है। आपके जज्बाती आइडियोलॉजी का ये असफलता है। चीता, हम तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसे खारिज करते हैं। देखो, सच बात तो ये है कि फिलहाल तुम इमोशनली ट्रॉमेटाइज हो और मेंटली कोई भी डिसीजन लेने की ताकत फिलहाल तुम्हें नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिन तुम आराम करो, इस बारे में अच्छे से सोचो इत्मीनान से, और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। हम सोच लिए हैं मैडम सर, आप आराम से सोचकर हमको बता दीजिएगा। हम अपना फैसला पर अटल हैं कि हमको नौकरी छोड़ना है मैडम सर। जय हिंद। देख रहे हैं मैडम सर, धीरे धीरे सब कुछ बिखरता जा रहा है, दिलों के घाव और रिश्तों की दरारें भी बढ़ती जा रही है। आपकी ये जज्बातों की लड़ाई भी बहुत कमजोर पड़ती जा रही है मैडम सर, और आपकी इस तकलीफों की भीड़ में हम आपको भी बहुत अकेला महसूस कर पा रहे हैं। क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सायरा आपा, हम हमारे बच्चों की कसम खाकर कहते हैं हमने कोई चोरी नहीं करी है। रे बावड़ी हो रही के, बच्चों को क्यों ला रही बीच में? सफाई की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन पे भरोसा नहीं होता है, और चिंगारी गैंग की तो ताकत ही भरोसा है। हमें तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। बिल्कुल, जहाँ शक है वहाँ भरोसा कैसा, और जहाँ भरोसा है वहाँ शक कैसा। सुनो, इसके लिए खाना लेके आओ और साथ में खीर भी लेकर आना। ताई ने तेरे लिए बनाई है खास, वो भी खास बादाम के साथ खुशबूदार खीर। हाँ तो चल अब शुरू से शुरू कर। बैंक से निकलने से आखिरी एटीएम तक पहुंचने पर क्या क्या हुआ, सारी डिटेल्स दे मुझे। बैंक से कैश लोड होने के बाद से लेकर आखिरी एटीएम तक हम और कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी गाड़ी में हम आगे साथ में ही बैठे हुए थे। फिर हम चाय पीने के लिए वैन से उतरे, और चीता को चाय नहीं पीनी थी तो वैन में ही बैठे हुए थे।
फिर सामने वाली दुकान पर ही हम जाकर बैठे और उतने में ही बिन्नी बहन आई. वो हमें कुछ सामान देना था हमारे बच्चों के लिए, तो उन्होंने सामान लिया, हमने चाय पी और वो वहाँ से चली गई. और उनके जाने के बाद हम वैन में आकर बैठ गए और उसके बाद हम अगले एटीएम के लिए निकले. उस वक्त कैश बॉक्स की चाबी किसके पास थी जब तुम चाय पीने गई थी? चाबी हमारे पास नहीं, चीता चतुर्वेदी के पास में ही थी. फिर हमें दो और एटीएम में पैसे डालने थे, पर जब हम दूसरे एटीएम पर पहुंचे और वहां पर कैश काउंट किया तो हमें पता चला कि उसमें से 50 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं. यानी जाहिर है कि पैसे वैन में ही चुराए गए, क्योंकि दूसरे किसी तरीके से पैसे चुराने का ना ही किसी के पास समय था और ना ही मौका. और अगर ये दोनों चीजें किसी के पास थी तो वो था कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, हसीना मलिक के टीम का खास मौरा. हमारा सोचना बिल्कुल सही था ताई. हसीना मलिक ने सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ हमें फंसाने के लिए चाल चली है. हसीना मलिक ने चिंगारी गैंग के खिलाफ जो हवाई किला खड़ा किया है उसे ढेर करने के लिए उसी का मोहरा चीता चतुर्वेदी ही काम आएगा.